अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सैयदा फार्मेसी। व्यूवर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला के शुक्र से मैं भी ठीक ठाक हूँ। व्यूवर्स, सेहत के हवाले से एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको BEZ टैबलेट के बारे में बताऊँगी कि BEZ 10 mg टैबलेट को किस किस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, इसकी फार्मूलेशन क्या है और वो कौन से लोग हैं जो BEZ टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुकम्मल डिटेल के लिए ज़रूरी है वीडियो पूरी देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन स्किप ना हो। लेकिन उससे पहले मेरी नए आने वाले नाज़रीन से रिक्वेस्ट है, जो नाज़रीन हमारे चैनल सैयदा फार्मेसी पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको बर वक्त मिल सके। व्यूअर, आइए बात करते हैं BEZ टैबलेट की पैकेजिंग की। तो इसके एक पैक में 14 टैबलेट्स होती हैं और इसकी कीमत ₹350 है। ये बुश कंपनी की प्रोडक्ट है जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है। व्यूअर्स, आइए अब बात करते हैं BEZ टैबलेट की फार्मूलेशन की। तो इसकी फार्मूलेशन में मोनोटिलोकास्ट सोडियम 10 mg पाया जाता है और ये टैबलेट 5 mg की स्ट्रेंथ में भी अवेलेबल है, जो हर किस्म की मौसमियाती एलर्जी, इंडोर और आउटडोर एलर्जी के लिए और दमा के लिए बहुत मुफीद टैबलेट है। व्यूअर्स, आइए अब बात करते हैं BEZ टैबलेट को किन किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। BEZ टैबलेट हर किस्म की मौसमियाती एलर्जी के लिए बहुत ही मुफीद टैबलेट है। इसके अलावा क्रोनिक इन्फ्लामेटरी लंग्स के लिए भी ये इस्तेमाल की जाती है। क्रोनिक इन्फ्लामेटरी लंग्स में फेफड़ों की नालियां तंग हो जाती हैं और आपको सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। BEZ टैबलेट के इस्तेमाल से आपके फेफड़ों के एयरवेज खुल जाती हैं और सांस लेना आसान हो जाता है। इसके अलावा BEZ टैबलेट दमा के मरीजों के लिए बहुत ही मुफीद टैबलेट है। हेयर फेवर में आपके नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है और आपको छींकें आना शुरू हो जाती हैं, इस कंडीशन में भी BEZ टैबलेट बहुत मुफीद है। इसके अलावा इंडोर और आउटडोर एलर्जी में भी BEZ टैबलेट बहुत मुफीद है। इंडोर एलर्जी में पालतू जानवरों की वजह से होने वाली एलर्जी कहते हैं और आउटडोर एलर्जी में पोलन ग्रेन वगैरह से होने वाली एलर्जी कहते हैं, तो इस कंडीशन में BEZ टैबलेट बहुत मुफीद है। इसके अलावा इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े हशरात वगैरह के काटने से जो एलर्जी होती है, इसके लिए भी BEZ टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपकी स्किन पर या जल्द पर किसी भी किस्म की कोई एलर्जी है, रैशेस हैं, जल्द पर ख़ारिश है, तो BEZ टैबलेट बहुत ही मुफीद है। व्यूअर्स, आइए अब बात करते हैं BEZ टैबलेट का तरीका इस्तेमाल, जो सबसे ज़्यादा अहम है। तो BEZ टैबलेट को आप दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक टैबलेट सुबह और एक शाम। याद रहे, टैबलेट खाना खाने के बाद इस्तेमाल करनी है या अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। व्यूअर्स, आइए अब बात करते हैं BEZ टैबलेट के नुकसान की। तो इसके इस्तेमाल से कुछ कॉमन से नुकसान हो सकते हैं। आपका पेट ख़राब हो सकता है, आपके सर में दर्द हो सकती है, आपको पसीना आ सकता है, आपको प्यास लग सकती है। व्यूअर्स, आइए अब बात करते हैं वो कौन से लोग हैं जो BEZ टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे लोग जिनको BEZ टैबलेट के किसी भी अज्जा से एलर्जी है, वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। प्रेग्नेंट खवातीन और दूध पिलाती माएँ इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। व्यूअर्स, ये था BEZ टैबलेट के बारे में मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल सैयदा फार्मेसी को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।